कभी भी बिना नहाए बिना स्नान किए घर की लक्ष्मी को रसोई घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। अगर आप भी नहाने से पहले रसोई घर में जाते हैं तो आज से नियम छोड़ दो, पहले स्नान फिर रसोई घर का दर्शन। लेकिन कुछ घरों में रात का बर्तन ऐसे रखा रहता है, सुबह उठ करके उसको धोना पड़ता है, साफ करो, फिर उसके बाद में भोजन बनता है। रात के बर्तन रात में ही धो लो, रात के बर्तन रात में ही धो। रसोई घर को कभी भी जूठा करके सोना नहीं चाहिए, ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा आपसे रुष्ट हो जाती है। अगर माता अन्नपूर्णा रुठ गई तो आपके घर में अन्न की कमी होगी। इसलिए रात में रसोई घर के सफाई करो और उसके बाद सुबह नहाने के बाद ही चाय बनाओ, नहाने के बाद ही नाश्ता बनाओ और वो प्रसाद को भोग लगाओ, तब जाकर के परिवार को खिलाओ। अगर ऐसा करते हैं तो आपके घर में धन की कमी नहीं होगी, अन्न की कमी नहीं होगी। ये नियम जरूर बनाए। कुछ माताएं तो सुबह लेट से उठना, 8 बजे नींद खुलती है, बच्चा कहता मम्मी जल्दी जाओ और टिफिन तैयार करो, स्कूल जाना है। तब मम्मी जल्दी से उठी और बाथरूम में गई, पेस्ट निकाला, मंजन लगाया, अब ब्रश घिस रही है, रसोई घर में चाय भी चढ़ा दिया, दो चार छींटा तो उसी में गिर गया। प्यार से बोलो, अब पूरे परिवार को मंजन वाली चाय पिला ला। ऐसा करने से क्या आपके घर में लक्ष्मी आएंगी? नहीं, नहीं आ सकती। इसलिए अपने नियम को सुधारो, दिनचर्या को सुधारो। अगर आप जल्दी उठते हैं, अपने हर कार्य पवित्रता के साथ में, सुंदर नियम के साथ में करेंगे तो आपके घर में बरकत भी होगी, आपके घर में खुशियां भी होगी, आप भगवान से भी जुड़ोगे और आप अपने जीवन को धन्य कर पाओगे। प्यार से बोलना पड़ेगा।